केंद्र सरकार के द्वारा सैनिकों के लिए किए जा रहे ड्राफ्ट के विरोध में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सैनिकों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और इस मौके पर सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा भी मौजूद रहे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व सैनिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सैनिकों की पेंशन में कटौती के लिए तैयार किए जा रहे मसौदे को वापस लेने की मांग की। वहीं पूर्व सैनिकों ने साफ तौर पर कहा कि अगर केंद्र सरकार सैनिकों की पेंशन के साथ छेड़छाड़ करती है तो पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं करेंगे। पूर्व सैनिक ज्योति प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा सर्विस के हिसाब से नौकरी बढ़ाए जाने के साथ साथ पेंशन में छेड़छाड़ किए जाने की बात की जा रही है, जिसका पूर्व सैनिक पूर्णतया विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि आज तक कभी भी सैनिकों की पेंशन से छेड़छाड़ नहीं की गई थी, इसलिए पूर्व सैनिक इसका विरोध कर रहे हैं। ये जो हमारे जो सैनिक है देश की सेवा कर रहे हैं उनकी नौकरी को कम करने के लिए और सर्विंग के हिसाब से जो नौकरी उनकी बढ़ाई जाएगी उसके विरोध में जो हम सरकार का विरोध कर रहे हैं और आज जो है मतलब हमारे सैनिक जो है देखा गया है कि जो स्टेटमेंट दी है इन्होंने कि जो सैनिक जो है 20 से 25 साल सर्विस करेगा उसकी 50% पेंशन होगी और जो 26 से 30 करेगा उसकी 60% होगी और जो 31 से 35 साल करेगा उसकी 75% सैलरी होगी। ये आज दिन तक जो हमारी सेना में कभी नहीं हुआ है। हम सरकार जो जितने भूतपूर्व सैनिक हैं वो सरकार से विरोध करते हैं, इसके बारे में सरकार का विरोध कर रहे हैं। जितने भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आज सरकार का इस मुद्दे के ऊपर जो विरोध कर रहे हैं हम। पूर्व सैनिक मदन लाल ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सैनिकों के लिए निकाले गए नए नोटिफिकेशन का विरोध जता रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिक इस ड्राफ्ट का पूर्णतः विरोध जताते हुए रैली निकाल रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सरकार से यही रोष है कि जो सर्विंग पर्सन है आर्मी में उनके लिए जो सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है, प्रपोजल निकाला है कि हम जो है कम सर्विस करके जो 25 साल तक सर्विस करेगा तो उसको 50% पेंशन दी जाएगी, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है। अगर सरकार करना चाहती है कि ऐसा सैनिकों के लिए ऐसा करना है तो हमारा इसमें विरोध है। हम आज भी इकट्ठे हुए हैं भूतपूर्व सैनिक जो विरोध बिल्कुल तहत दिल से कर रहे हैं। हम रैली निकाल रहे हैं इसके बारे में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 25 और 30 साल बॉर्डर में नौकरी करते हैं उनकी पेंशन के ऊपर कैंची चलाना ये मान्य नहीं है और हमारा दिल भी नहीं मानता इस बात को कि ऐसा आगे भविष्य में आने वाले समय में किया जाए। आज तक विरोध सेना में जो सर्विस है वो भी पूरे नहीं है, जो लोग हैं आर्मी में वो भी पूरे नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से सरकार को हम ये विनती करते हैं कि ये जो आपने प्रपोजल निकाला है इसको मेहरबानी करके इसको हटाया जाए और जैसे सेना में सर्विस की जा रही है, पेंशन मिल रही है सैनिकों को, उसके मुताबिक ही दी जाए। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार सैनिकों की पेंशन के साथ कटौती करने की बात कर रही है, लेकिन सैनिकों के साथ पूर्व सैनिक भी इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा सैनिक और पूर्व सैनिक परिवार है, इसलिए आज क्षेत्र के पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर सरकार से ऐसा न करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज जैसे किसान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं वैसे ही पूर्व सैनिक भी आने वाले समय में मांग को लेकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से ये खबरें छप रही हैं कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों की और हमारे जो नौजवान सरहदों पे इस देश की रक्षा सुरक्षा में सेवाएं दे रहे हैं उनकी पेंशन और मैं कटौती की तैयारी कर ली है, उसके लिए जो है ड्राफ्ट तैयार हो गया है। तो सीधे तौर पर पूर्व सैनिकों ने फैसला लिया है। लोकल एमएलए होने के नाते मेरा भी दायित्व बनता है कि अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा प्रोटेक्शन करें, उनके जो सोशल इंटरेस्ट है, सोशल सिक्योरिटी है, उसकी जिम्मेवारी को समझते हुए आज सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के कुछ सिलेक्टेड पूर्व सैनिक आए हैं, क्योंकि ये तो पूरा पूर्व सैनिकों से भरा हुआ क्षेत्र है। ये सीधा सीधा संदेश देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो ड्राफ्ट तैयार कर रही है पूर्व सैनिकों की पेंशन की कटौती के लिए और दूसरे जो इन्होंने प्रारूप तैयार करके रखा है ऐसी छेड़खानी करने की सरकार कोशिश ना करे, वरना आज जो देश में हालात हो गए हैं, आज पूरे देश के जो किसान हैं वो सड़कों पे हैं, अपनी जो उनके खिलाफ जो सरकार बिल लेके आई है उसके खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा देश के लोग जो है दिल्ली पहुंच गए हैं। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में
जिन लोगों ने देश की सेवा की है, अपनी जान को न्यौछावर किया है, और इस हिमाचल की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने देश की आन बान शान के लिए, रक्षा के लिए साथें दी हुई हैं। अगर इनके साथ छेड़खानी करने की सरकार ने कोशिश करी तो इस सरकार के लिए संदेश है कि सरकार ऐसा करने की कोशिश ना करे, वरना जैसे आज देश के किसान सड़कों पे हैं, ये पूर्व सैनिक भी सड़कों पे उतरने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। इन्होंने देश की रक्षा सुरक्षा की है, देश के लिए अपनी जवानी दी है, और अगर सरकार ने छेड़खानी करने की कोशिश की तो उसके लिए चेतावनी ये किसान दे रहे हैं ना, पूर्व सैनिक दे रहे हैं कि सरकार ऐसा करने की सोचे भी ना। इसलिए ये एक सिंबॉलिक जो प्रोटेस्ट है कुछ सिलेक्टेड से पूर्व सैनिकों ने आज कर रहे हैं, तो उसके लिए सरकार को ये संदेश देने का कोशिश करें। सरकार के द्वारा आए दिन कांग्रेस पार्टी पर लोगों को गुमराह करने के आरोपों पर राजेंद्र राणा ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी किसानों को बरगलाने का काम करती है तो कुछ एक किसानों को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन लाखों की तादाद में किसान अपना भला बुरा समझते हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने किसानों से धोखा किया है, इसलिए किसान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हम तो सीधा सीधा पूर्व सैनिकों की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने कर दिया, हम ये कह रहे हैं कि जो समाचार पत्रों में रोज छप रहा है कि पूर्व सैनिकों की पेंशन जो है उसकी कटौती की सरकार ने तैयार कर ली है, उसके लिए सरकार को सीधा सीधा संदेश दे रहे हैं कि सरकार ऐसे करने की जरूरत ना करे। और जहां तक किसानों का प्रश्न है, एक कांग्रेस पार्टी किसानों को बरगलाने का काम करती तो एक किसान गलती कर सकता है, दो कर सकते हैं, यहाँ लाखों लाखों किसान जो हैं आज सड़कों पर हैं, और वो जानते हैं कि उनका अच्छा और बुरा क्या है, उनके साथ इस सरकार ने क्या धोखा किया है आज, और इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आज जो पूर्व सैनिकों का मसला है, हमें पूर्व सैनिकों की चिंता है, क्योंकि इन्होंने पूरा अपने देश के लिए जवानी जो है वो लगाई है, और अपने परिवार की परवाह ना करते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए अगर देश की रक्षा सुरक्षा में जुटे रहे, और आज हमारा देश सुरक्षित है तो उन लोगों की वजह से सुरक्षित है, और इनके जो सामाजिक इंटरेस्ट हैं, अगर इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए अगर सरकार को ऐसा कुछ करने जा रही है तो सरकार के लिए सिर्फ ये चेतावनी है।